Welcome back, viewers. AAA presents, AAA Associates presents Marfor Champions League 2021. और आपका आज का दूसरा मैच है इस्माइल 1-1-2-2 Eagles Eyes versus Mountain Roaring Lions. All set for the toss. और दानिश अनीस हमारे कोलीग एंकर वहां पर मौजूद है. Over to दानिश. Right, जी, we are all set for match number two. Hopefully, you guys are ready as well. आज का दूसरा मैच खेला जा रहा है Eagle Eyes और Roaring Lions के दरमियान. दोनों टीमों के कप्तान हमारे साथ मौजूद. Eagle Eyes की कप्तानी कर रहे हैं खुर्रम चकवाल. बड़ा नाम है टेप बॉल क्रिकेट का. अली नदीम भी कोई छोटा नाम नहीं है. बहुत जाने माने क्रिकेटर हैं टेप बॉल के और अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं. आज कप्तानी कर रहे हैं. दोनों मैच ऑफिशियल्स भी हमारे साथ मौजूद, सरवर भट्टी और अशरफ भट्टी. लेट्स फ्लिप द कॉइन जेंटलमैन. कौन फ्लिप कर रहा है? अली नदीम फ्लिप करेंगे. खुर्रम चकवाल कॉल करेंगे. टेल इज द कॉल. And it is tail. Toss जीत लिया है Eagle Eyes के कप्तान खुर्रम चकवाल ने. खुर्रम से पहले बात करेंगे. अली, आप भी हमारे साथ आ जाइए. दोनों से साथ गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको पता हो आपके हरीफ कप्तान क्या सोच रहे हैं. खुर्रम, क्या करने का फैसला किया आप? जी, हम पहले बॉलिंग का फैसला किया. अच्छा, पहले बॉलिंग. एक स्ट्रैटेजी बनती जा रही क्योंकि पहले वाले मैच में भी टॉस जीत कर बॉलिंग की गई थी लेकिन वो मैच हार गए. जी, बिल्कुल, ऐसी कोई वजह नहीं है. हमने पहले ही सोचा हुआ था क्योंकि हमारे पास चार मेन बॉलर मौजूद हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम स्कोर पर रोकने के लिए. करम चकवाल, बेस्ट ऑफ लक. अली नदीम, पहले बैट कर रहे हैं. कितना सेफ टोटल होता है 6 ओवर में? जी, मेरे ख्याल से जिस तरह की कंडीशंस हैं और पिच हैं 90 तक स्कोर इंशाल्लाह सेफ होगा क्योंकि हमारे पास भी अच्छी बॉलिंग लाइन है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे हम उसको. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक. राइट जी, द वर्ड फ्रॉम द सेंटर इज यहाँ पर टॉस जीता है Eagle Eyes ने और पहले बॉल करने का फैसला किया है. बैक टू द कॉम बॉक्स. इस्माइल 1-1-2-2 Eagle Eye के कैप्टन खुर्रम चकवाल ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था. दानिश ने ये सवाल भी किया था उस वक्त कि हर टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर रही है. हालांकि पिछले मैच का रिजल्ट था कि जिसने पहले बैटिंग की थी वो जीतने में कामयाब हुई. दोनों अंपायर्स अशरफ भट्टी और सरवर भट्टी इस वक्त ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह पहले मैच में हुआ कि टॉस जीत कर पहले बॉलिंग की और दानिश ने मेंशन भी किया क्या कि अब इस टूर्नामेंट की क्या ये रिवायत तो नहीं बन जाएगी, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार मैच देखने को मिला. चौके छक्के लगे, आखिरी बॉल तक जो है वो मैच गया. यही खूबसूरती है टेप बॉल क्रिकेट की. बिल्कुल, आखिरी बॉल तक 5 रन्स दरकार थे और उम्मीद हो चली थी कि ये रन्स बन जाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद की थी जो अंदर की जानिब आई और बोल्ड कर दिया था. बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये दोनों बैट्समैन इस वक्त ग्राउंड में दाखिल होते हुए और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त वार्म अप हो रहे हैं और उस्मान 17 नंबर की शर्ट पहने हुए. उस्मान जान का ये होम ग्राउंड है, ये भी गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि उनके साथ कप्तान अली बैटिंग के लिए आए अली नदीम. और ये टीम्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस्माइल ईगल आई की, अगर खुर्रम शहजाद खुर्रम चकवाल इनके कैप्टन है, अकबर पोली, हाफिज आकिब, इमरान भट्ट, मेहरान सांवल, फादी बाजवा, एहतशाम सत्ती, जलाद खान, मलिक फैसल अहमद, बाबर सत्ती. बिल्कुल, और माउंटेन रोरिंग लाइंस के अली नदीम कैप्टन हैं. उस्मान जान, शकील शाह, बंटू भाई, उमर, शहबाज अली, एहसन मुश्ताक, शरियार नदीम, हमजा नदीम, अमीर हमजा और सद्दाम शाह. इस्माइल Eagle Eyes ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया है. इस्माइल Eagle Eyes के जो मेंटोर हैं वो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रियाज अफरीदी. अली नदीम कैप्टन बैटिंग के लिए आए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और टेस्ट क्रिकेटर नदीम अब्बासी साहब के ये साहबजादे जो नदीम अब्बासी मेंटोर भी हैं माउंटेन रोरिंग लाइंस के. उस्मान जान दूसरी जानेब होम ग्राउंड पर बैटिंग करेंगे, अब गुजरावाला से जिनका ताल्लुक है. 3 भाई खेल रहे हैं, नदीम अब्बासी के 3 साहबजादे इस टीम का हिस्सा हैं, हमजा नदीम, अली नदीम, शहरियार नदीम, जबकि हमजा नदीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं KRL से. बिल्कुल, और नदीम अब्बासी ने भी एक बहुत लंबे अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है KRL से. जल्लाद खान इनका राइट आर्म मीडियम फास्ट, इनका ताल्लुक लिया जनूबी पंजाब से है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, टेप बॉल क्रिकेट का एक नाम है. और ये आप देख सकते हैं कि मासूम बच्चे जो इस क्रिकेट को इंजॉय करने आए हैं और खुशियाँ बकेर रहे हैं इस ग्राउंड में. बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे, लग रहे हैं वो
हारने वाली टीम के सपोर्टर लग रहे हैं जो पिछला मैच आ रही है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये लीग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सड़कों पे मोहल्लों में क्रिकेट ख़त्म हो गई है, बहुत कम बच्चे आते हैं अब खेलने के लिए। ये इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैम्पियंस लीग 2021 की वजह से। अली नदीम, जिनका ताल्लुक मलका कोहसार मरी से है और ये बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, आज इस टीम की क़यादत भी कर रहे हैं और ख़ुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अली नदीम का शुमार पाकिस्तान में टेप बॉल के टॉप थ्री बैट्समैनों में होता है और तैमूर मिर्ज़ा को नंबर वन कहा जाता है। आज उन्होंने कदरे बेहतर बैटिंग की, आखिर में सेट हो गए तो छक्के लगाए थे। देखना यह है कि अली नदीम अपनी फॉर्म को बहाल करते हैं, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको उनके ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं। पहले दो मैचों में पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के तीन टॉप बैट्समैनों को हमने एक्शन में देखा, तैमूर मिर्ज़ा को देखा, खुर्रम चकवाल की टीम बॉलिंग कर रही है जबकि अली नदीम भी बैटिंग के लिए मौजूद हैं और ये फैमिलीज़ फेस्टिवल दिखाई दे रहा है, बड़ी तादाद में फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं, ग्राउंड के इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं बिल्कुल। और आज गुजरांवाला में, जो कि ये शहर जाना जाता है पहलवानों का शहर, एथलीट्स का शहर, अली नदीम इस वक्त साइड स्क्रीन से इशारा कर रहे हैं और ये खूबसूरत मंजर है, ये ड्रोन कैमरे से लिया गया है, आप जियो सुपर की स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं और ग्राउंड के चारों जानेब आपको खूबसूरत मंजर ये दिखाई दे रहा है। रात का पहर है, अब दूसरे मैच का आगाज होने वाला है और जलाद खान पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर हैं जिनका लैया से ताल्लुक है और बहुत तेज बॉलर हैं। ऑफ स्टंप के खासी बाहर गेंद दी है जिसे वाइड का सिग्नल अपने मखसूस अंदाज से अंपायर ने दिया। इस तरह खाता खुला यहाँ माउंटेन रोरिंग लाइंस ने इस एक्स्ट्रा रन की वजह से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इनका भी साइड आर्म बॉलिंग एक्शन है और टेप बॉल में ये साइड आर्म बॉलिंग एक्शन देखने को मिलता है और अनऑर्थोडॉक्स हमें बॉलिंग एक्शंस देखने को मिलते हैं। टेप बॉल का एक बहुत बड़ा नाम था सुहेल तनवीर, जिन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, उनका बॉलिंग एक्शन भी बहुत अनऑर्थोडॉक्स माना जाता है। और आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी इस दफ़ा देखना होगा, क्विक डिलीवरी थी, बीट हुए, ऑफ स्टंप लाइन को मेंटेन किया है यहाँ जलाद खान ने। पहली गेंद वाइड हो गई थी, अली नदीम की बैटिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं इस वक्त माउंटेन रोरिंग लाइंस। और राज लाइंस को धारना होगा, ये मैच जीतना है नसीम तो शुरू से ही मार धाड़ का सिलसिला जारी होना चाहिए, चौके छक्के लगने चाहिए बल्ले से और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हैं जल्लाद खान और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं और बहुत ही ऊंचा और बहुत बड़ा छक्का, शानदार बैटिंग का मुजाहरा। मार कहीं और रहे थे, गेंद कहीं और गई है, ऑन साइड पे हिट करने गए थे लेकिन इतना अच्छा टाइम हो गया कि दानिश कैच लेते लेते रह गए हमारे कमेंट्री बॉक्स में, गेंद यहाँ तक आ गई थी बहुत ही। और आप देख सकते हैं इस वक्त बैट्समैन के एक्सप्रेशन भी कि वो खुद भी ये देख रहे थे कि वो इसको ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन पेस बहुत ज़्यादा थी बॉल की और वो जैसे ही बल्ले पर आई और फिर उसने बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स का रुख किया। ये छक्का पेस की वजह से हुआ है, ये शॉट जो यहाँ तक गया है पेस की वजह से गया, हालांकि ऑन साइड पे टाइम करने गए थे अली। और एक दफा फिर ऊंचा खेले हैं, फील्डर वहां पर पहुंचे लेकिन देर हो गई और ये एक बाउंड्री हासिल किया यहाँ पर, अंपायर का इशारा, चार रन्स। जलाद की शॉर्ट पिच बहुत तेज थी लेकिन बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज से अली ने इस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेला, आप खासा लेट खेले थे जो इस शॉट की सक्सेस थी। और ये देखें अली नदीम जल्लाद खान पर हावी होते हुए और काफ़ी देर बॉल हवा में रही और दोनों फील्डर्स फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान से ये बॉल चार रन के लिए फेंस क्रॉस कर गई। स्लो डिलीवरी, अच्छी डिलीवरी, इस दफा कदरे नीची रही। बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं डिसीव करने के लिए बैट्समैन को वैराइटीज चाहिए होंगी और बगैर वैराइटीज के आप कितना भी तेज ले आए, हमने देखा जलाद खान ने तेज गेंदें की थी और अगर वो मिस टाइम भी हुआ था तो भी छक्का हो गया था।
इस लिहाज से बॉलर्स को कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट ज़रूर करना होगा अगर खुद को बचा के रखना है यहाँ। एग्जैक्टली, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा बॉलर्स को और वेरिएशन लानी होगी बॉल के अंदर, लाइन को चेंज करना होगा। अली नदीम इस वक्त बिल्कुल तैयार और इस दफा इसको खेला है फाइन लेग की जानेब, चार रन हासिल किए, फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन काफी तेज शॉट, बिल्कुल काफी दूर की फील्डर से ये गेंद के आसिफ और इनकी टीम का नाम है ईगल, आई तो अली की आई तो कम से कम ईगल वाली लग रही है जिस तरीके के स्ट्रोक्स उन्होंने इतनी तेज बॉलिंग पे खेले। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर। वेल, बिल्कुल आपने ठीक कहा नसीब के उनकी आंखों में आज भूख की शिद्दत पाई जाती है और यकीनी तौर पर ये भूख जो है रन्स की भूख है और ऐसा लगता है कि आज उनका जो बल्ला है वो रन्स उगलेगा। अब तक बड़ी अच्छी बैटिंग की है, दो बाउंड्रीज एक छक्का। अली नदीम ये साहबजादे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर नदीम अब्बासी के, इस टीम के कैप्टन भी हैं और अपनी ये है जल्लाद खान जिनका ताल्लुक लैया से है और तेजतरीन बॉलर माने जाते हैं। पहला ओवर खासा एक्सपेंसिव रहा है यहाँ पर, शॉर्ट बॉल्स पे ज़्यादा गए और जिसकी वजह से रन स्कोर किए अली ने। पैर का इशारा देखना होगा, लकी रहे यहाँ पर जलात, ये हो सकती थी वाइट बॉल भी लेकिन पहला ओवर मुकम्मल हुआ 15 बगैर किसी नुकसान के एमआरएल। बाबर आए हैं, बाबर सती राइट आर्म मीडियम फास्ट, इनको बाबर कटर कहते हैं और इनकी बॉलिंग देखते हैं कि कितनी कट लेती है, ये भी जरूर देखना होगा। बाबर सती को बाबर कटर कहा जाता है। जी बिल्कुल, बाबर कटर के नाम से मशहूर है टेप बॉल क्रिकेट में और इस दफा इसको खेला है ऑन साइड पर, फील्डर वहां पर मौजूद है, सिर्फ एक रन बन पाएगा और बिल्कुल जो इनको मैंने काफी दफा देखा है ये लेग कटर भी करते हैं, ऑफ कटर भी करते हैं, स्लो डिलीवरी भी करते हैं, इसलिए बाबर कटर के नाम से जाने चाहते हैं। ये डग आउट है माउंटेन रोरिंग लाइन्स का, टेंस दिखाई देगा डग आउट में हर वक्त क्योंकि 6 ओवर की क्रिकेट है ये, हर खिलाड़ी एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि उनका बैट्समैन जो क्रीज पर मौजूद है वो छक्का लगाएगा या चौका लगाएगा। ये डग आउट बिल्कुल दीगर डग आउट से मुख्तलिफ होता है, इस बार ऐसा लगा एज लगा है यहाँ, अंपायर का इशारा देखना होगा। गेंद बैट से लग कर गई थी, एक रन का इजाफा हुआ, वैसे कैच नहीं था ये, काफ़ी बाहर और आगे भी गिर गई थी। बिल्कुल, और बाबर कटर के बारे में बताता चलूं नसीम के ये एक दफ़ा ये देखिए आउटसाइड की ऑफ स्टंप डिलीवरी, इसको तेज़ी से खेलना चाहते थे, आउटसाइड एज हुआ था और कीपर से कैरी नहीं की थी बॉल और बाबर कटर जो है वो पिछले बार को चैंपियंस लीग का जो टूर्नामेंट था उसके बेस्ट बॉलर थे, फाइनल में मेडन ओवर किया था, तो इनके कटर्स काफ़ी मशहूर हैं इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, मेडन ओवर बहुत बड़ी बात है। बाबर की इस गेंद को जोरदार हिट लगाई है, गेंद जा रही है और बहुत ही बड़ा छक्का मिड विकेट की जानिब, जोरदार स्ट्रोक यहाँ और 6 रन हासिल किए। बाबर कटर ने लाइन को मिस किया, बैट्समैन ने वेलकम कहा और वेलकम कहते ही ये बाउंड्री के बाहर फेंक दी बॉल, शानदार बैटिंग का मुजाहरा। एक दफा फिर देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और ये स्क्वायर लेग के ऊपर से, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। गुजरावाला पहलवानों की शहर करार दिया जाता है, पहलवानों की बस्ती करार दी जाती है और उस्मान जान पट्टा कहलाते हैं इनका जो नाम करा जाता है टेप बॉल क्रिकेट में, तो पहलवानों के पट्टे हुआ करते थे तो ये गुजरावाला के इनको कहा जाता है। इस बार बड़ी हिट मारने गए थे, देखना होगा नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच पाते यहाँ नहीं, लेकिन ना थ्रो अच्छी थी ना बॉलर ने गेंद को प्रॉपर तौर पे पकड़ने की कोशिश की। नसीब यहाँ पर ये सीखने की चीज़ है कि बॉलर को फौरी तौर पर बॉलिंग एंड पे आना चाहिए था, थ्रो को कलेक्ट करना चाहिए था लेकिन हमने देखा कि बॉलर अपनी जगह पर खड़े रहे। एक दफ़ा फिर आप ये डग आउट देख रहे थे और ये रन आउट हो सकता था, ये चांस मिस किया है, हिम्मत हार गए थे अली, आपने देखा होगा वो रुक गए थे क्योंकि खासे बाहर आ गए थे और इस गेंद को वो पकड़ नहीं सके, वरना वो रुक गए थे यहाँ पे, स्लो हो गए थे, वो समझ रहे थे कि वो रन आउट हो जाएंगे लेकिन जिंदगी मिली यहाँ कैप्टन ऑफ माउंटेन रोरिंग लाइंस अली नदीम को।
और इस दफा इसको ऊंचा खेला है, फील्डर बॉल के नीचे है और ये कैच ले लिया। बहुत बड़ी विकेट, बिल्कुल बहुत बड़ी विकेट हासिल की अली नदीम की। कैप्टन आउट हुए यहाँ पर, बड़ी हिट मारने के लिए गए थे लेकिन प्रॉपर तौर पे गेंद को टाइम नहीं कर सके, एक्स्ट्रा कवर पे के ऊपर से खेलना चाहते थे, बाउंड्री पर कैच आउट हुए। यूँ पहला नुकसान माउंटेन रोरिंग लाइंस की टीम को उठाना पड़ा है अपने कैप्टन की सूरत में। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा और फ्रेड डिसीव किया बैट्समैन को, हल्का सा बॉल को अपनी उंगलियों को घुमाया था, कटर बाबर कटर जिसके लिए मशहूर हैं, और शानदार कैच। सो इस तरह अली नदीम आउट हुए हैं 15 रन बनाने के बाद, माउंटेन रोरिंग लाइन्स 24-1। सेलिब्रेशन बता रही थी ये इस्माइल 1122 ईगल आई की कि कितनी बड़ी विकेट उन्होंने हासिल की है। तमाम खिलाड़ी फील्डर के पास जाके जमा हो गए थे और सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। कोई एक हर टीम में एक या दो ऐसे बैट्समैन होते हैं कि जो किलर टाइप के बैट्समैन होते हैं, वो मैच ही ख़त्म कर देते हैं, मैच ही बदल देते हैं। उनकी विकेट हासिल करने की खुशी बहुत डिफरेंट होती है। और ये इंटरेस्टिंग है कि बैट्समैन जब आ रहे हैं खेलने के लिए तो उन्होंने बॉल को चेक किया है। उमरुल्ला राइट एंड बैट्समैन है, माउंटेन रोरिंग उमरुल्ला ये नए आने वाले बैट्समैन हैं। इन्हें उमरी सरगोदा का करार दिया जाता है, सरगोदा से इनका ताल्लुक है। उमर को उमरी सरगोदा कहते हैं टेप बॉल क्रिकेट में। बाबर कटर की इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की जानेब, शानदार छक्का, और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको पुश किया, और ये गुड लेंथ की बॉल नहीं थी, ये ओवर पिच डिलीवरी थी, शानदार तरीके से इसे खेले। ये देखें खूबसूरती के साथ ऑन साइड पे ये हिट लगाई और 6 रन हासिल किए। खूबसूरत रिस्ट वर्क देखने को मिला हमें। सारे मुश्किल सवाल। और नसीम अपना निक नेम बताते बताते रुक गए। एक दफा फिर ये माउंटेन रोरिंग लाइंस, और बहुत ही अच्छी डिलीवरी होगी ये, इसको फुल लेंथ डिलीवरी कहते हैं ब्लॉक होल में, और बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। चेंज ऑफ पेस और जिस तरह मुख्तलिफ वैराइटीज ये यूज़ करते हैं अहमद कुल्फी, ऐसा बॉलर पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में बहुत कम है, और बहुत फेमस है ये इस लिहाज से कि बॉल कभी स्लो करना है, आउट कटर इन कटर बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं जो हम देखेंगे। दूसरी जानब उमर बैटिंग के लिए तैयार है। अहमद कुल्फी इस मैच में अपना पहला ओवर कर रहे हैं, और अब तक बड़ी अच्छी पिछली गेंद की थी, बैट्समैन को रिसीव किया था। एक दफा फिर इनसाइड एज हुआ, लकी रहे बैट्समैन, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। बैट्समैन इसको मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे, इनसाइड एज बोल्ड हो सकते थे, बोल्ड होते होते बच गए, और बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। अब तक 2 गेंदें बहुत अच्छी की हैं, अच्छी पेस के साथ की हैं, अच्छी लाइन पर की हैं। इस लाइन को मेनटेन करना होगा अहमद कुल्फी अगर रन्स बचाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग की है अब तक अहमद ने। अहमद गेंद करेंगे उमर को, इस बार आउट होने का खतरा, अपनी पैर से लगे, और ऐसा लगता है कि पैर से लगा ये बॉल। हाँ, पैर से लग के भी गेंद कहाँ तक कैरी किया था, अच्छी पेस, उसको कोशिश की कि फिंगर्स यूज़ की, और ये खासियत है आप ये देख सकते हैं, इसको अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे, यस, और उनकी बॉडी से ये बॉल टच हुआ, और ये उन्होंने कैच लिया। लेकिन ऑफ कोर्स के आपको दाद देनी होगी, 3 डिलीवरीज डॉट डिलीवरीज की हैं, 3 कंसेक्यूटिव डॉट डिलीवरीज। एम आई वॉचिंग टेप बॉल क्रिकेट? और आपने नज़र लगाई दी, आखिरकार गेंद गई बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का यहाँ पे उमरी सरगोदा की जाने से। उमर का बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक है, इनका नाम है टेप बॉल क्रिकेट में, अच्छा स्ट्रोक। हालांकि 3 डॉट बॉल पहली वाइट बॉल के बाद की थी,
अहमद कुल्फी ने और उसके बाद अच्छा स्ट्रोक किया उमर की जानिब से। इस दफ़ा अपनी लाइन मिस की और जब तक वो ऑफ स्टंप पे बॉलिंग कर रहे थे बच रहे थे, लेकिन ये देख सकते हैं आप दो फील्डर्स वहाँ पर मौजूद थे लेकिन कोई मौका नहीं ओवर द रोप्स फॉर द सिक्स। और जब आप लाइन मिस करते हैं बैट्समैन को तीन बॉल रिसीव करने के बाद बैट्समैन उसका फ़ायदा उठाता है और उसी लाइन को मेनटेन करना होगा जहाँ पर डॉट डिलीवरीज की थी। और अच्छी गेंद या अहमद कुल्फी की, मुझे दाद दीजिए नसीम, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर अगर आप बॉल करेंगे तो आप इस बैट्समैन को हिलने नहीं देंगे, दाद दीजिए मुझे। बहुत अच्छे बॉलर हैं बिल्कुल अहमद, और आपको दाद देना पड़ेगी। मैं भी जब इस बॉल के ऊपर इस लाइन के ऊपर बॉल करता हूँ तो बहुत से बैट्समैन रिसीव करता हूँ, सो इस वजह से मैंने ये सजेस्ट किया था। और इनकी पेस बहुत अच्छी है, बैट्समैन बहुत हल्के होंगे, मैंने देखा था कल विकेट पे गुजरावाला की। आप मुझे हल्का ले रहे हैं नसीम, आप मुझे हल्का ले रहे हैं। और इस ओवर की आखिरी गेंद, अब तक अच्छा ओवर किया है, चार डॉट डिलीवरीज की है, एक मैक्सिमम और एक वाइड का रन हुआ था। आखिरी गेंद और इस दफा इसको खेला है फाइन लेग की जाने, फील्डर वहां पर मौजूद है, तो एक बहुत ही बेहतरीन ओवर इस दफा। और सिर्फ तीन ओवर का खेल मुकम्मल हो गया, 38 रन एक विकेट के नुकसान पर MRL ने स्कोर कर लिए। और अब हम सीधे नीचे चलेंगे जहां इस्मा किसी गेस्ट के तहत तैयार है। ट्रिपल एसोसिएट मार्कोर चैंपियंस लीग जिनास स्टेडियम गुजरावाला से बराबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा मैच इस वक्त जारी है। गुजरावाला पहलवानों का शहर मशहूर है, ये और पहलवान ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान मास रेसलिंग चैंपियन के टीम के कोच माजिद हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। और रिसेंटली ये लोग उज़्बेकिस्तान से जीत कर आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान कौम के लिए एक एजाज की बात है और पूरी कौम को एक मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मास रेसलिंग टीम के तीन बच्चों ने वर्ल्ड कप मास रेसलिंग उज़्बेकिस्तान में एक दो सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे जो लड़के हैं वो हर फील्ड में हर स्पोर्ट में जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं, इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर है यही लोग तो जीत के आए हैं। ये बच्चे माशाल्लाह हमारा फ़ख्र हैं, ख़ास तौर पर गुजरांवाला और पाकिस्तान का, जिन्होंने उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मेडल हासिल किए हैं, और इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनसे भी थोड़ी हम बात करना चाहेंगे, आपसे बात कर लेते हैं, कैसे हैं आप, अपना नाम भी बता दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम जैन उमर है। ठीक है, कैसे हैं आप, कैसा फील हो रहा है आपको उज़्बेकिस्तान से आप जीत के आए हैं, कुछ अपने अचीवमेंट के बारे में बताइए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, मुल्क के लिए खेला हूँ, अच्छी ट्रेनिंग की थी और अच्छा मुकाबला हुआ, टफ टाइम मिला लेकिन फिर भी जीता हूँ। बस ऐसे ही करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। उनको दे दीजिएगा माइक, आप भी ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन कराएं और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम साद है, मैं उज़्बेकिस्तान खीवा के शहर में होने वाले कंपटीशन वर्ल्ड कप में खेला जिसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है जी, हमारे साथ रेसलर मौजूद थे और रिसेंटली ये उज़्बेकिस्तान से जीत के आए हैं, फ़ख्र है हम लोगों का और हम लोग दुआ करते हैं कि ऐसे ही अच्छा अच्छा करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू इस्मा और वेल डन पाकिस्तान मास रेसलिंग टीम, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त, और कमेंट्री टीम में भी अब तब्दीली हुई है, हमें जुहेब इखलाक ने ज्वाइन किया है, वेलकम करते हैं जुहेब आपको। शुक्रिया नसीम, इस वक्त माउंटेन रोडिंग लाइन से 3.2 ओवर के बाद 40 पे एक बिलर नुकसान उठाना पड़ा, इस टीम की रीड की हड्डी माने जाते हैं अली नदीम, बाबर कटर उनका सामना करेंगे। और इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश की, प्रॉपर टाइम नहीं कर सके थे यहाँ उमर, लेकिन एक रन हासिल करने में ज़रूर कामयाब हुए, एक एक रन से अब ज़्यादा काम चलेगा नहीं वैसे जुएब।
बिल्कुल, जिस तरह से शुरू में उस्मान जान पठा ने अपने फ्लिक्स जो दिखाए थे और जिस तरह से उन्होंने शुरू में हिट्स लगाई थी, इसी तरह की जो लास्ट डेथ ओवर में उनमें भी उनको जो है इस तरह की बड़ी हिट्स खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, बड़ी हिट्स की ज़रूरत है इस वक्त माउंटेन रोरिंग लाइंस की टीम को। चौथे ओवर का खेल जारी है और बोर्ड पे अभी सिर्फ 41 रन हैं। बड़ी हिट मारने की कोशिश फिर कामयाब नहीं हुई, लेकिन एक रन भाग के ज़रूर हासिल किया है यहाँ। बिल्कुल, बाबर कटर के बारे में आपने पहले भी डिस्कस किया था और मार्खोर सीज़न वन में ये बेस्ट बॉलर करार पाए थे और काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ और उसके साथ साथ चेंज ऑफ पेस डिलीवरीज जो करवाते हैं, कटर के नाम से मशहूर हैं और इन स्विंग आउट स्विंग दोनों डिलीवरीज करवाना जानते हैं। वेरिएशन चाहिए, बगैर वेरिएशन के आप बॉलिंग नहीं कर सकते। आप टेप बॉल क्रिकेट में आप कितनी भी तेज़ गेंद कर लें उतनी ज़ोर से बाहर जाती है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, अपने पेस से डिसीव किया, यहाँ थोड़ा सा स्लोअर किया था। उमर काफ़ी देर से क्रीज पर मौजूद हैं और बहुत बड़े स्ट्रोक्स जो उनकी टीम एक्सपेक्ट कर रही है वो अब तक नहीं लगा सकें। जी हाँ बिल्कुल, और काफ़ी नपी तुली बॉलिंग है इस्माइल 11 112 की जानिब से और बिल्कुल बांध के रखा हुआ है दोनों ही बल्लेबाजों को। ज़बरदस्त बॉलिंग, ज़बरदस्त कटर गेंदें कटर की जानिब से। बिल्कुल, कटर के नाम से ही मशहूर हैं और उसी तरह की चेंज ऑफ पेस डिलीवरीज करवाते हुए। बहुत ही अच्छी यॉर्कर लेंथ पर गेंद थी, बड़ी हिट, फिर नहीं मारने दी, एक और जबरदस्त ओवर। इस तरह चार ओवर का इख्तिताम हुआ, 42 रन एक विकेट के नुकसान पर स्कोर कर लिए MRL ने। टेलीवाइज होने वाले मैचेस में कहीं ना कहीं प्रेशर होता है और वो हमने तैमूर मिर्जा पर भी देखा। आप देखते हैं आज खुर्रम चकवाल क्या करते, अली नदीम को भी हमने देखा कि जिस तरीके की वो हिटिंग करते हैं उस तरीके की हिटिंग नहीं कर सके। ये हमारे टॉप 3 टेप बॉल बैट्समैन हैं पाकिस्तान में, लेकिन पहले मैच जब खेल लेंगे ये तो दूसरे मैच में इनका रंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ऑब्वियसली जैसे ही ये क्राउड का प्रेशर भी है, बड़ा स्टेडियम है, नया एक्सपीरियंस है, जैसे ही टूर्नामेंट कैरी ऑन करेगा पिच का अंदाज़ा हो जाएगा और उसी हिसाब से जो नए प्लेयर्स को वो फेस कर रहे हैं उनका भी जान पहचान हो जाएगी तो वो उसको समझने में आसानी होगी और इन जैसे और देखना होगा रन आउट होने का पूरा मौका मौजूद, लेकिन अहमद कुल्फी गेंद को नहीं पकड़ सके, वरना ये वाइट बॉल पे रन लेने के लिए गए थे, विकेट कीपर के पास गेंद गई थी और ये रन आउट मिस किया है यहाँ। बिल्कुल, स्लॉपी एफर्ट थी, फंबल हुए कीपर भी और थ्रो बैक ज़रूर किया था लेकिन मिस हुए, ये आप देख सकते हैं फंबल हुए थे कीपर और उनको थ्रो बैक किया बॉलर की जानब जो पलट करना में नाकाम है। हाफिज आकिब हैं विकेट कीपर जिन्होंने थ्रो किया था, थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस था, आगे गेंद गिर गई थी, वरना अगर थोड़ी पीछे गिरी होती तो फर्स्ट बाउंस के बाद आराम से आ जाती या डायरेक्ट थ्रो आ जाती तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो बिल्कुल आगे गिर गई थी गेंद। हाँ बिल्कुल, पिच में थोड़ा वेरिएबल बाउंस है जिसकी वजह से कीपर्स को भी कलर्ट करने में मुश्किल पेश आ रही। आखिरी दो ओवर्स में माउंटेन रोरिंग लाइंस की टीम कितने रन स्कोर करती है सबकी नज़रें। बड़ी हिट मारने गए थे, ये कैच लेने में कामयाब हुए हाफिज आकिब, इस तरह विकेट हासिल करने में कामयाब हुए यहाँ अहमद कुल्फी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा विकेट, उस्मान जान पठा की सूरत में सेटल थे और क्रीज पे काफ़ी टाइम से 4.1 ओवर से विकेट पे मौजूद थे और फिनिश करना चाहिए था इस इनिंग्स को लेकिन कर नहीं सके और एक चेंज ऑफ पेस डिलीवरी थी, बैक ऑफ द लेंथ है जिसको पुल करना चाहते थे, टॉप एज हुआ और कीपर ने भाग के एक आसान सा कैच हाथों में थामा और इसी तरह माउंटेन रोरिंग लाइंस को दूसरा धचका 4.1 ओवर के बाद 45-2। उस्मान जान 16 रन बनाकर आउट हुए और अहमद कुल्फी ने पूरी टीम का मुंह मीठा कर दिया है।
बड़ी कीमती विकेट हासिल की है। हाँ बिल्कुल, और अभी नए आने वाले बल्लेबाज पंटू भाई के नाम से मशहूर हैं और इनकी जो फेम जो इनका बना है वो फ्लिक शॉट की वजह से, ये रिस्ट वर्क काफ़ी करते हैं और फ्लिक शॉट खेलते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर भी हैं। पंटू भाई बैटिंग के लिए आए। नसीम स्कोर काफ़ी कम लग रहा है, चार ओवर के ताम पे 4.1 ओवर हो चुका है, 45 स्कोर बनाया है माउंटेन रोरिंग लायंस ने। पहले मैच में हमने देखा 90 रन्स का दफ दिया था तैमूर मिर्ज़ा की टीम ने, जो कि लास्ट ओवर तक गेम गई थी और लास्ट बॉल उन्होंने सेव करके मैच को सेव किया था। आपके ख्याल में कितना टारगेट होना चाहिए अगर एक डिफेंडिंग टोटल जिसे हम कहते हैं वो माउंटेन रोरिंग लायंस के लिए? ज़ुएब, जितनी आप टेप बॉल क्रिकेट कवर करते हैं मुझे ये सवाल आपसे करना चाहिए था। वैसे एटलीस्ट 90 रन्स तो होने चाहिए। अब दो ओवर्स में ये कितने रन्स स्कोर करते हैं ये देखना होगा, 11 गेंदों का खेल बाकी है। उमर ने वैसे बहुत मिस किए हैं गेंदें, अंपायर का इशारा वाइट बॉल करार दी अंपायर ने, इस तरह एक एक्स्ट्रा का रन मिला यहाँ MRL को। बिल्कुल स्ट्रेटजी हमें देखने को मिली है खुरम चकवाल की जानिब से, फिफ्थ स्टंप लाइन पे ब्लॉक होल पे बॉल्स करवाए जा रहे हैं बॉलर्स, और ये कि प्रॉपर स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि होमवर्क करके आए हैं प्लेयर्स के खिलाफ कि हमने इधर बॉल करवानी है और ये कि सेफ जो हमारा जो जहाँ पे हमें डॉट डिलीवरीज मिल सकती है, क्योंकि टेप बॉल में आपने देखा होगा हर किस्म की शॉट्स ऑन होती हैं, फ्लिक शॉट, पुल शॉट, तो बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है इसको बॉल को अपने डॉट करवाना, तो काफ़ी काबिल तारीफ बॉलिंग अभी तक करवाई है। लेकिन अगर सामने अहमद कुल्फी जैसा बॉलर हो तो फिर मारना इतना आसान काम नहीं है, ये साबित किया है अहमद कुल्फी ने अब तक। और इनकी ना हाइट बहुत ज़्यादा है ना जान, हम देख रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ियों की बड़ी तगड़ी दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है। इस दफा अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, वाइट बॉल करार दी अंपायर ने, इस तरह एक और रन हासिल हुआ यहाँ। हाइट ज़रूर कम है लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है स्किडी बॉलर हैं, जैसे एक दौर में बिलावल भट्टी होते थे वो भी, उनकी हाइट नहीं थी लेकिन पेस और उनकी बॉल में स्किड होता था। आजकल हमारे PSL में कराची का हिस्सा हैं इलियास, उनकी भी हाइट कम है लेकिन पेस और स्किड की वजह से वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी इनको भी यही इसी का एडवांटेज है कि बॉल इनका स्किड हो रहा है विकेट से। बहुत अच्छी बात की आपने ज़ुएब और अच्छी एग्जाम्पल्स भी दी आपने, ये बॉलर इसी तरीके के थे। अहमद कुल्फी गेंद करेंगे उमर को, इस बार उमर ने बड़ी हिट मारने की कोशिश की, कैच हो सकते हैं और शानदार कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच लेके उमर की इनिंग का खात्मा किया और ये इसी ओवर में दूसरी कामयाबी दिलाई अहमद कुल्फी ने। बिल्कुल जो मैं बात पहले भी कर रहा था, स्किडी बॉलर हैं, शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करवाई और बॉल ने एक एक्स्ट्रा बाउंस लिया और उसको पुल करना चाहा लेकिन टॉप एज हुआ और फाइन लेग से फील्डर दौड़ते हुए आए और खूबसूरती के साथ अपने आगे की जानेब डाइव किया और एक बेहतरीन कैच अपने हाथों में थामा। तीसरा नुकसान है MRL को उठाना पड़ा है उमर की सूरत में, और ये खूबसूरत कैच, थोड़ा दौड़ के भी गए थे, गेंद कैरी कर गया था लेकिन बहुत खूबसूरती से गेंद को थामा उमर उल्ला, 10 रन बनाकर आउट हुए 47/3 MRL। जी हाँ बिल्कुल, तीसरा नुकसान उठाना पड़ा माउंटेन रोरिंग लायंस को और नए आने वाले बल्लेबाज कश्मीर के नंबर वन बैट्समैन हैं शकील शाह के नाम से जाने जाते हैं और इनको कश्मीर का तैमूर मिर्ज़ा भी कहा जाता है टेप बॉल क्रिकेट में, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और पिछले सीज़न में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, मरी सुपर किंग्स का हिस्सा थे पिछले मारखोर सीज़न 1 में, और अभी अपनी टीम को देखते हैं किस किस्म का टोटल सेट करके देते हैं। बकिया 10 बालें इनके पास बाकी हैं और क्रीज पर मौजूद हैं पंटू भाई और उनका साथ देंगे शकील शाह। शकील शाह को कश्मीर में कश्मीर का शाहिद अफरीदी भी कहा जाता है, इस तरह की ये हिटिंग करते वहाँ पॉपुलर है ये, इस हवाले से देख लें कि कश्मीर से गुजरांवाला आने के बाद इनकी कारकर्दगी कैसी होती है। बिल्कुल शकील शाह और पहले मैच में कादिर कश्मीर थे, ये दोनों ही टॉप रैंक्ड प्लेयर्स हैं कश्मीर में और काफ़ी इनको माना जाता है कश्मीर में, अभी देखना पड़ेगा कि ये माउंटेन रोरिंग लायंस के लिए किस तरह सूदमंद साबित होते हैं।
पंटू भाई सामना करेंगे जो सियालकोट क्रिकेट का बैटिंग डिपार्टमेंट में बड़ा नाम है। बिल्कुल, पंटू भाई सियालकोट क्रिकेट की जो डिस्ट्रिक्ट टीम होती है उसमें रीढ़ की हड्डी का काम रखते हैं। पंटू भाई जबरदस्त छक्का पंटू भाई का, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और ऑन साइड की जानिब जोरदार हिट जोएब। बिल्कुल शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करवाई थी, पेस को जांचा इस दफा बंटू भाई ने। दूसरे एंड से खड़े देख रहे थे कि अहमद कुल्फी किस तरह की बॉलिंग करवा रहे हैं। पहले ही अपना माइंड बना लिया था कि वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी करवाएंगे, उस पर खड़े थे और खूबसूरती के साथ अपने बैक फुट पर रहे और घूम के इसको घुमा के स्क्वायर लेग की जानिब से बाउंड्री से बाहर फेंका 6 रन के लिए। बंटू भाई बहुत अच्छी तरह अहमद कुल्फी को जानते भी हैं, साथ बहुत खेलते रहे हैं, तो पहले से ही जज कर लिया था कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद होगी, उसी जगह रुक गए थे। और फिर जो जोरदार स्ट्राइक बंटू भाई की, बंटू भाई ये स्क्रीन पर मौजूद और बंटू भाई के आउट होने का खतरा, बंटू भाई आउट। और तीसरी कामयाबी यहाँ नदीम कुल्फी ने इस ओवर में हासिल की, फुल टॉस गेंद को बंटू भाई पार नहीं पहुँचा सके। जुएब बिल्कुल इस मौके को कैश इन करते हुए बॉलर फुल टॉस बॉल था, इसको डिपॉजिट करना चाहिए था बाउंड्री से बाहर, लेकिन इसको नाकाम रहे बाहर पहुंचाने में और एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में थमाया, जिन्होंने अपनी पोजीशन मुस्तकम की और एक खूबसूरत आसान कैच खुरम चकवाल ने अपने हाथ में थामा। कैप्टन ने ये कैच लिया और बंटू भाई की इनिंग का खात्मा 6 रन पर हुआ, 53 for 4 MRL। नए आने वाले बल्लेबाज शहबाज अली गोर्रा, इस्लामाबाद रावलपिंडी के टॉप रैंक बल्लेबाजों में इनका नाम आता है और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में ये ओपनिंग करते हैं। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की जो टेप बॉल टीम है उसमें ये ओपनिंग करते हैं। आज इनको पीछे रखा गया है और अभी इनके पास महज 8 बॉलें बाकी हैं और बड़ा कारनामा करना होगा अपनी टीम को एक काबिले जो डिफेंडेबल टोटल तक पहुँचाने के लिए। शहबाज गोलड़ा की ख़ास बात, और ये टी शर्ट्स तकसीम हो रही हैं यहाँ पे पेप्सी की जानिब से, सोवीनियर्स तकसीम होते हुए, पेप्सी का बड़ा रोल है इस इवेंट की सक्सेस में। और शहबाज गोलड़ा इस दफ़ा बड़ी हिट मारने के लिए गए थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। नदीम कुल्फी की जितनी तारीफ की जाए कम है, इस ओवर में 3 विकेटें हासिल करके काफ़ी हद तक अहमद कुल्फी ने मैच को काफ़ी हद तक जो है वो तब्दील किया है। 12.05 का रन रेट MRL ने अब तक मेंटेन किया है जो किसी तरह भी मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं लग रहा। बिल्कुल इस बॉल पे अपनी फिंगर्स को रोल किया था और पेस को चेंज किया था और स्कोर 12.5 टेप बॉल क्रिकेट में कोई इतनी खातरखा नेट रेट माना नहीं जाता। एटलीस्ट 15 या 16 की नेट रेट से आपको खेलना पड़ता है अगर आपने एक डिफेंडेबल टोटल अपने बॉलर्स के लिए सेट करना हो तो। आखिरी गेंद और इस बार शहबाज गोल्डा का जोरदार छक्का। बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा था कि शहबाज गोल्डा अच्छे बैट्समैन है, आज उनको पीछे रखा गया और उन्होंने इस बात का सबूत दिया और एक चेंज ऑफ पेस डिलीवरी थी जिसको पिक किया और डिपॉजिट किया बाउंड्री लाइन से बाहर। बिल्कुल अहमद कुल्फी की ये गेंद बहुत अच्छे अंदाज से जज कर गए थे शहबाज गोलड़ा और जोरदार छक्का लगाया और इस छक्के के साथ स्कोर हुआ 59 for 4। पांच ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है। जुहेब अब कितना टारगेट लग रहा है? मेरे ख्याल से अगर इस ओवर में देखना पड़ेगा कि ओवर करवाने कौन आएगा, अभी तक तो स्ट्रेटेजी उनकी अच्छी रही है लाइन लेंथ और पेस के हवाले से कि किस लाइन पे किस बैट्समैन को किधर बॉल करवानी है, प्रॉपर होमवर्क करके आए हुए हैं। तो अगर इस ओवर में 20 से 22 रन लगते हैं और स्कोर को 80+ करते हैं तो फिर कुछ कहा जा सकता है कि उसमें बॉलर्स के लिए कुछ होगा कि वो उसको डिफेंड कर सकें। मलिक फैसल चकवाल गेंद करने के लिए आए, आखिरी ओवर करेंगे इस्माइल 1122 ईगल आई की जानिब से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मलिक फैसल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, चकवाल से इनका ताल्लुक है जिस तरह खुर्रम का भी ताल्लुक चकवाल से, दोनों एक ही गांव के।
जी बिल्कुल, दोनों का तालक एक ही गांव से और फेस करेंगे शकील शाह। शकील शाह सामना करेंगे। बड़ी हिट मारने गए थे, रन भी लेना चाहते थे लेकिन गेंद बिल्कुल साथ ही पड़ी थी। नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े शहबाज ने उन्हें रोका। कुलर लेंथ डिलीवरी थी जिसको डिपॉजिट करना चाहते थे बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन इनसाइड एज लगा और बाल पांव के साथ टकरा के कोशिश ज़रूर थी शहबाज गोर्रा की कि उनको स्ट्राइक मिले, लेकिन शकील शाह ने नाम है उनको जवाब दिया और किसी भी रन का इजाफा ना हुआ। मलिक आखिरी ओवर कर रहे हैं इस्माइल 1122 ईगल आई के लिए। कश्मीर के शकील शाह सामना कर रहे हैं जिनका कश्मीर से ताल्लुक है। मलिक फैसल मलिक ने अब तक अच्छी गेंद की है लेकिन लगता है सुन लिया उन्होंने, इतनी भार कर दी। जी बिल्कुल, फोर्थ स्टंप के राउंड है, तकरीबन तमाम ही बॉलर्स ने कोशिश की है कि बॉल करवाई जाए पर इस बार काफ़ी वाइड चले गए और एक स्लॉपी से डिलीवरी करवाई और एम्पायर का इशारा कि ये वाइड डिलीवरी है। खूबसूरत मंजर ड्रोन कैमरे से म्यूनसिपल स्टेडियम गुजरावाला का, तारीखी ग्राउंड जहाँ टेस्ट क्रिकेट भी खेली जा चुकी है, ओडीआई क्रिकेट भी यहाँ खेले गए, लेकिन काफ़ी अरसे से ये ग्राउंड बिल्कुल बंद था, बहुत एक्टिविटी ना होने के बराबर थी, लेकिन दोबारा रिवाइव हुआ इस ट्रिपल एसोसिएट्स मारकोट चैम्पियंस लीग की वजह से। कि देखना होगा अंपायर का सिग्नल, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, इस तरह एक्स्ट्रा का एक और रन बना। सोचना पड़ेगा मलिक फैसल को कि अपनी लाइन और लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, जो वाइड डिलीवरीज करवा रहे हैं ये इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। अगर हमने देखा पीएसएल में भी आखिरी ओवर जब ज़्यादा रन्स के लगे हैं तो उन टीम्स को एडवांटेज हुआ है और एक बड़ा स्कोर सेट करने में वो कामयाब हुए हैं। यहाँ पे भी अगर वो एक बड़ा ओवर यानी कि 25 से 30 रन्स कंसीड कर देते हैं एक्स्ट्राज की भी सूरत में और बाउंड्रीज भी लगती हैं तो अपनी टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और इस बार बहुत तेज़ गेंद थी, हालांकि फुल टॉस गेंद मिल गई थी और उस हाइट पर भी मिल गई थी कि जहां पर गेंद को बाहर ज़रूर जाना चाहिए था, लेकिन पेस की वजह से शकील शाह को रिसीव किया या मलिक फैसल ने। बिल्कुल बिल्कुल ज़ोर से मारना चाहते थे, अगर इस बॉल को थोड़ा सुकून से रुक के टाइम करते तो ज़रूर चांस बन सकता, लेकिन पेसी डिलीवरी थी और टाइम नहीं मिला और ज़ोर से शॉट खेलने की कोशिश की और बॉल मिडल से थोड़ा ऊपर बैट पे लगी और सिर्फ एक रन का ही इजाफा हो सका। शहबाज गोलड़ा साबित सामना कर रहे हैं अब मलिक फैसल का। पिछली मारखोर चैंपियंस लीग के बेहतरीन बैट्समैन थे शहबाज। मलिक फैसल और इस बार प्रॉपर कनेक्शन और गेंद को पहुंचा दिया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से ताल्लुक है इनका, बहुत बड़ा छक्का यहां लगाया है। जी बिल्कुल, और पिछला आप जैसे बता रहे थे कि पिछली मारखोर में बेस्ट बैट्समैन भी रहे हैं शहबाज अली गोल्डा और उसका सबूत इस शॉट से उन्होंने दिया। बैक ऑफ द लेंथ लेग स्टंप पे ये पड़ी हुई बॉल थी जिसको अपना फ्रंट फुट क्लियर किया और इसको फ्लिक ऑफ द रिस्ट किया और सीधा फाइन लेग की बाउंड्री से बाहर इसको पहुँचाया शहबाज अली गोल्डा ने और एक मेगा ओवर साबित होता हुआ इस्माइल ईगल की जानिब से। बिल्कुल मलिक फैसल एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं आखिरी ओवर में, उम्मीदें बहुत थी कि वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ पर माउंटेन रोरिंग लाइंस की टीम को, लेकिन तीन गेंदें खासी एक्सपेंसिव रहीं, एक्स्ट्रास के रन भी दिए छक्के भी लगे। इस बार अंपायर का इशारा देखना होगा, लकी रहे यहाँ बॉलर के पैर से या कपड़ों से ड्रेस से छूती हुई गेंद चली गई।
बिल्कुल थाइस के साथ लगती हुई बॉल ये सीधी विकेट कीपर के पास की, कोशिश जरूर की थी इस बॉल को डिपॉजिट करने की लेकिन नाकाम रहे। टेंशन दिखाई दे रही है इस वक्त MRL के डग आउट में और होनी भी चाहिए क्योंकि आखिरी दो गेंदों पे जितने रन ये हासिल करने में कामयाब हुए वो उन्हें फ़ायदा पहुँचाएंगे। बिल्कुल परेशान ज़रूर हैं क्योंकि एक जैसे हमने पहले मैच में देखा 90 प्लस स्कोर बने थे, अभी तक 68 रन्स बनाने में कामयाब हुए हैं, 5.4 ओवर हो चुके हैं, तो परेशानी ज़रूर होगी अली नदीम के डगआउट में। अच्छी हिट यहां पर, कैप हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर, गेंद हालांकि अच्छा बाउंस भी ले गई थी लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, दो रन हासिल करने में कामयाब हुए शहबाज। अब सिर्फ एक गेंद बाकी है MRL की इनिंग की, गैप में खेला था, दोनों फील्डर्स को बाइसेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन जिसमें कामयाब भी हो चुके थे लेकिन एट द लास्ट मोमेंट फील्डर ने टाइमली जंप लिया और उस बॉल को वापस ग्राउंड के अंदर लाया और अपनी टीम के लिए कम से कम दो रन सेव किए। फादी बाजवा थे सियालकोट से जिनका ताल्लुक है फील्डर। जी बिल्कुल फादी बाजवा थे जो जिन्होंने इस बॉल को फील्ड किया और अपनी टीम के लिए दो कीमती रन सेव किए। फहद नाम है ना इनका, फादी प्यार से कहते हैं। आखिरी बॉल MRL की इनिंग की, पुलालैंड डिलीवरी जिसको खेल दिया लॉन्ग टू ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ की जाने, दूसरे रन के लिए जल्दी करने पड़ेगी, रन आउट होने का खतरा और एक आसान सा रन आउट इस इनिंग्स के इख्ताम पे और 6 ओवर के इख्ताम पे माउंटेन रोरिंग लाइन्स 71 पे 5 और 72 रन का टारगेट दिया है ईगल 112 को। बिल्कुल इस्माइल 1122 ईगल आई के लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पर खुर्रम चकवाल की टीम ने यहाँ किया और ये आखिरी गेंद भी बहुत अच्छी की थी, अच्छी लेंथ पर गेंद की थी, एक रन हासिल किया, दूसरे रन के लिए कोशिश की थी शकील शाह ने लेकिन ये सुसाइड वाली कोशिश थी, या तो ये रन आउट होते या वो होते, किसी ने तो होना था। बिल्कुल लास्ट डिलीवरी थी और कुछ करिश्मा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बॉल ओवरथ्रो हो जाए या कोई फील्डर से स्लॉपी एफर्ट हो जाए तो हमें एक एक्स्ट्रा रन मिल जाए लेकिन काफ़ी नपीतोली बॉलिंग के साथ साथ एक बेहतरीन फील्डिंग भी हमें देखने को मिली इस्माइल 1122 ईगल्स की जानिब से। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग और फिर आखिरी ओवर खासा बेहतर खेल गए थे ये माउंटेन रोरिंग लाइन्स का स्कोर कार्ड, अली नदीम ने 15 रन स्कोर किए, 16 रन उस्मान जान ने बनाए, 15 रन शहबाज अली हाशमी ने स्कोर किए जो रन आउट हुए थे, 6 गेंदों पे शहबाज ने ये रन स्कोर किए जो लास्ट बॉल पे रन आउट हुए लेकिन 12 गेंदों पे उमरुल्ला ने जो 10 रन स्कोर किए हैं जिसकी वजह से ये रन कम हुए वरना बाकी बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट बेहतर है, 6 गेंदों पे 15 किए अली नदीम ने, 7 गेंदों पे 16 किए उस्मान जान ने। बॉलिंग कार्ड हमारे सामने है, जल्लाद खान 1 ओवर में 15 रन दिए, कोई विकेट उन्होंने हासिल नहीं की, बाबर सत्ती इकोनॉमिकल ओवर उन्होंने करवाए 2 ओवर में 19 रन, अहमद कुल्फी जिन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली और मैच का पांचा पलटा 2 ओवर में 19 रन और 3 विकेट उन्होंने ली, मलिक फैसल जिन्होंने आखिरी ओवर करवाया था उन्होंने 1 ओवर में 12 रन दिए। बिल्कुल ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का दूसरा मुकाबला ईगल आई को फतह के लिए 72 रन दरकार हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बैटिंग देखेंगे ईगल आई की।